मथुरा वृंदावन प्रेम मंदिर अगर जय श्री राधे। चलो आओ प्रेम मंदिर, बहुत रश आज, संडे है, आओ उधर हाथ हाथ पकड़, आइसक्रीम आके खिलाऊंगा ना, गर्मी भी बहुत है, टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। 12 बजे सभी मंदिर बंद हो जाते हैं और एक मंदिर में कम से कम 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। कितना बढ़िया लग रहा है, चारों तरफ नजर घुमाने पर सब ही साथ बढ़िया लग रहा है। आप चारों तरफ नजर घुमाइए, वहीं पर कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ कुछ गंदगी हो या कुछ इस तरह का हो, सब परफेक्ट एकदम। अभी लगे हुए स्टैचू देख रहे हैं। चलिए ध्यान रखना है, टाइम का भी ध्यान रखना है। चलिए फाउंटेन है, इधर फाउंटेन चल रहा है, गाय है, इधर बलराम श्री कृष्ण, बहुत ही बढ़िया झांकी है, इधर उधर फाउंटेन चल रहा है, गार्डनिंग कर रखी है, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए कितनी बढ़िया गार्डनिंग कर रखी है, अरे लिख भी रखा है, आओ देखिए फाउंटेन, सब पिक्स ले रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गार्डन है। गाय ऐसी लग रही है, सही है, रियल गाय। हाँ और ये देखिए पत्ता गोभी भी लगा रखी है, फूल गोभी नहीं, पत्ता गोभी है, ये पत्ता गोभी है, ये गुलाब के फूल हैं, बहुत ही बढ़िया कलर देखिए। देखिए भीड़, हर समय भीड़ रहती है, देखिए झांकी, कान्हा जी पंचायत लगाए हुए हैं अपने दोस्तों के साथ, बहुत ही अद्भुत झांकियां हैं, कृष्ण जी गोपियों के साथ नृत्य करते हुए, बहुत ही बढ़िया झांकी है भी। गोवर्धन पर्वत दिखाता हूँ आपको, बहुत काफी फोटो ले रहे हैं यहाँ पर,
सेल्फी पॉइंट है। कैसा अद्भुत नजारा। हाँ भाई मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ चलो चलो, नहीं वहाँ ठंडा है बेटा। मंदिर में प्रवेश करते हैं। प्रेम मंदिर की झांकी है ये। चलो आ जाओ देखो बेटा, बहुत ही बढ़िया झांकी आई है। ये अच्छा लगा। ये देखिए श्री कृष्ण और राधा जी की। देखिए बहुत ही बढ़िया झांकी है ये। और ये लाल झांकी श्री राधा जी की। हाँ झूला झूलते हुए बस ये लास्ट था। अब हम एग्जिट करेंगे यहाँ से, जहाँ से आए थे वहीं से एग्जिट होगी। देखिए श्री राधे जी, श्री कृष्ण जी झूला झूलते हुए राधा जी के साथ, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। अब हम एग्जिट करेंगे, चलें है भाई। आगे भी जाना है, और भी मंदिर, और भी मंदिर है। अब जाएंगे बांके बिहारी जी, जो यहाँ से 3-4 किलोमीटर है बस। चलें, जय श्री राम।